अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड हेलो एवरीवन। सो आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट और मोस्ट यम्मी टिक्का चिकन बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुई थी, परफेक्ट, और हर स्टेप मैं आपको बताते जाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 kg मैंने चिकन ले लिया है, इसको मैंने 3 से 4 दफ़ा अच्छे से वॉश क्लीन कर लिया है। अब मैं इसको मैरिनेशन कर रही हूँ। 2 teaspoon हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट। जितना चिकन को सॉल्ट चाहिए उतना ही ऐड करेंगे, आप अपने सॉल्ट और मिर्ची है ना अपने अकॉर्डिंग ऐड करें। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच टिक्का मसाला लिया है, 2 बड़े चम्मच, और 2 चम्मच मैंने चिल्ली पाउडर लिया है, और रेड वाली कश्मीरी भी लेना है 1 spoon। सारी चीज़ों को मैंने इकट्ठे ले लिया था, और साथ ही में अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 cup दही, और कलर मैंने ऐड किया है। कलर अगर सही रहा तो आपने नहीं ऐड करना है, पर मैंने कलर ऐड किया है क्योंकि टिक्का बिरयानी है, उसमें अच्छा सा टिक्का लाल कलर आना चाहिए, तो कलर ऐड करें आप। और इसी को मैरिनेशन करूँगी मैं ओवरनाइट। आप ओवरनाइट मैरिनेशन नहीं कर रहे हो तो 2 घंटा लाजमी है आप इसे मैरिनेशन करें, तभी हमारा चिकन अच्छे सा टेंडर और जूसी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पैन को हीट कर लिया है, इसमें 1.5 spoon ऑयल ऐड करना है, और यहाँ पे देखिए मैंने सारे चिकन को रख लिया है। जितना हमारा चिकन जाएगा और जितना बचेगा हम सेकेंड टाइम इसे फ्राई कर लेंगे। अच्छे से इसे फ्राई करना है, और इसी के साथ मैंने है ना राइस को भी पर बॉयल करना है, मतलब 3/4 boil करना है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया, बासमती राइस है 1 kg, साथ ही में मैंने इसमें ज़ीरा और कुछ अच्छे गर्म मसाले ऐड किए हैं, ऑयल ऐड किया है, और है ना नींबू के जो स्लाइसेस होते हैं वो ऐड करके सॉल्ट टू टेस्ट डाल के इसे बॉईल करने रखना है। यहाँ पे देखिए मैं चिकन को थोड़ा सा है ना ढक दी हूँ कि ये अच्छे से अंदर से भी टेंडर हो, चिकन थोड़ा पके भी, और अच्छे से है ना इसे कलर भी आए। तो इसे मैं पलटा लूँगी दूसरी तरफ से, अच्छा सा कलर आ चुका है आप देख सकते हो। सो देखिए फ्रेंड्स इसमें कितना अच्छा सा कलर आया है, जो मैरिनेशन करके रखे थे ना हम, इस सारे मसालों का भी बहुत अच्छा इसमें टेस्ट आता है। तो याद रखें जो मैरिनेशन का मसाला भी बच जाएगा ना वो भी रखना है हमारी ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे सारे चिकन्स को मैंने फ्राई कर लिया है, अच्छा सा कलर आ चुका है आप देख सकते हैं, चिकन अच्छे सा फ्राई हो चुका है हमारा टिक्का चिकन। तो ये अच्छे से हो गया है, अब हम इसे है ना प्लेट में निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ हो वो भी आपने फ्राई करके ले लेना है। तो मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। तो ये चिकन को फ्राई करके हमें प्लेट में निकाल लेना है, साथ ही में मैंने यहाँ पे है ना कुछ आलू भी फ्राई करके ले लिया। अगर आपको आलू नहीं पसंद है आलू को स्किप कर सकते हैं, पर बिरयानी हो और आलू ना हो तो कोई मज़े की नहीं है। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो मैं ये आलू को ज़रूर ऐड करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने है ना प्याज को बहुत अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लिया था, साथ ही में इधर है ना क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और बिरयानी मसाला ऐड किया था 2 बड़े स्पून, और इसमें मैंने 2 टोमेटो ऐड करके ना अच्छे से फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 cup दही ऐड कर दिया था, और उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही में मैं इसमें 1/2 cup मिल्क वाला क्रीम भी ऐड कर रही हूँ, अमूल क्रीम 1/2 cup। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें भूनना है ऑयल के साथ, अच्छे से भून के इसका ऑयल सेपरेट हो तो हमारा मसाले की अच्छी सी खुशबू आए। कोई भी आप बिरयानी मसाला ले सकते हो, एनी ब्रांड का बिरयानी मसाला ज़रूरी है, और अगर आपके पास होममेड है तो वो भी ऐड कर सकते हो, साथ ही में हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर ऐड करके। ये अच्छा सा भून गया था, अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीने और हरा धनिया। तो यहाँ पे मैंने कट करके इसमें ऐड कर लिया है, अच्छे से हमें धीमी आंच में इसे भूनना है। जितना अच्छा हमारा मसाला भुनेगा उतना अच्छा ही हमारे बिरयानी में टेस्ट आएगा। तो ये देख सकते हैं ऑयल कितना अच्छे से सेपरेट हो चुका है, अच्छे से हमारा मसाला भुन गया था। अब हमने जो फ्राई करके रखे हुए हैं आलू और साथ ही में जो चिकन टिक्का जो फ्राई किया है वो भी इसमें ऐड करेंगे, और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एग, 4 egg भी मैंने इसे बॉईल करके रख लिया था, और एग भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप इसे है ना हटा सकते हो, पर इससे भी अच्छा टेस्ट आता है और लोगों को जो पसंद है वो खा सकते हैं बिरयानी में। इसे हल्के हाथ से है ना पूरा मिक्स कर लेना है, और आपको लग रहा होगा इतनी बड़ी पतीली में बना रही है क्योंकि है ना हम दावतों वाला बिरयानी बना रही है, और है ना जैसे बिरयानी में जितना ज़्यादा स्पेस हो ना उतना अच्छा खिला चावल और हमारी बिरयानी एकदम परफेक्ट बनती है। तो इसे मैं मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, कंटिन्यूसली मसाला इक्वली इस सारे में मिक्सअप हो जाए और अच्छा सा इस सारी चीज़ों में ना टेस्ट आए। अभी इस पॉइंट में खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी, तो इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ कि नीचे से लगे ना, और इसे और थोड़ा देर भुनेंगे हम।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अच्छा सा मैंने हाँ 2 से 3 स्पून पानी ऐड करके इसे अच्छे से ढककर भून लिया था। ऑयल भी सारा सेपरेट हो गया है, हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बिरयानी का मसाला ऑलमोस्ट हमारा रेडी है। बिरयानी के मसाले को हमें अच्छे से पकाना है क्योंकि मेन फ्लेवर और जो टेस्ट होता है बिरयानी का वो बिरयानी के मसाले से ही आता है। तो इसमें सॉल्ट वगैरह आप अपने जायके के अकॉर्डिंग डालें। मैंने सॉल्ट भी इसमें ऐड कर दिया था। अब कुछ चीज़ें बच गई थी तो वो भी करनी बाकी है। तो यहाँ पे मैंने पहले है ना हरी मिर्ची ऐड कर दी हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तीखा रखें। और साथ ही में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से क्रीम, आप ये ऑप्शनल है। मैं क्रीम इसलिए ऐड कर रही हूँ कि बहुत अच्छा सा रिच सा फ्लेवर आए और ये बहुत ही अच्छे से टेस्ट आए। तो अब हमें इसको है ना भाप देना है कोयले का, क्योंकि टिक्का बिरयानी है और इसमें अच्छे से है ना फ्लेवर आए स्मोकी का। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कोयला लिया था, उसको अच्छे से हीट करके तो हमें इसको है ना भाप देने रखने लगा है। और यहाँ पे देखिए हमारा राइस भी कुक्ड हो गया है 3/4 अच्छे से, मैंने इसे छान लिया है, इसे साइड कर लिया है। और ये देखिए ये भी हमारा जो है भाप अच्छे से हो गया है। अब मैं इसको लेयर लगा रही हूँ। तो लेयर ऐसे लगाना था कि नीचे मसाले और ऊपर राइस। तो फिर क्या होता है ना जब हम दम पे देते हैं तो ज़्यादा जो फ्लेम है ना मसाले पे लग जाता है जो नीचे गैस का होता है, और कुछ जली हुई भी खुशबू आने लग जाती है। तो मैं पहले है ना हल्का सा राइस बिछा देती हूँ नीचे और फिर मसाले बिछाती हूँ कि जो फ्लेम आए ना गैस का डायरेक्ट है ना मसाले पे ना जाए, हल्का सा राइस पे आए, तब वो मसाले और बिरयानी में बहुत अच्छा सा जायका देगा। जब मसाला ही जली जली खुशबू आएगी ना तो टेस्ट एकदम बिगड़ जाता है। तो हल्का सा मैंने पतली सी लेयर राइस के नीचे लगा दी है और ऊपर सारे मसाले अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अच्छे से, फिर हम दूसरा जो लेयर है राइस का लगाएंगे। सबका जो कुकिंग स्टाइल होता है, कुकिंग का तरीका होता है वो अलग होता है और सबका माइंड भी अलग होता है। तो सबके माइंड के अकॉर्डिंग जिसको जैसे सही लगे वैसे आप बना सकते हो। हाँ नीचे एक आप अपने तवा रख सकते हो कि ज़्यादा जले ना, वो सब भी आप कर सकते हो। पर भाप तो डायरेक्टली मसाले पे लगेगा ना, तो कहीं लग ना जाए उसके लिए मैंने हल्की सी लेयर लगाई है। अब देख सकते हैं आप, मैंने सारा मसाला अच्छे से बिछा लिया इक्वली, और आप मसाला देखकर ही पता लगा सकते हो एकदम परफेक्टली कुक्ड हुआ है, एकदम यम्मी। अब मैं हल्का सा ना 1-2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड करूँगी। तो इसमें जब हम ऑयल ऐड कर देंगे तो ये अच्छे से और कुक्ड होगा। अब मैं इसमें थर्ड लेयर राइस का ऐड कर रही हूँ ऊपर से, तो जितना राइस बचा हुआ है वो सारा मैं इसमें ना स्प्रेड कर दूंगी। तो चिकन 1 किलो था और साथ ही में आलू गए हैं और एग गए हैं, और राइस हमारा कुछ है ना 1.5 kg के अकॉर्डिंग था, थोड़ा कम था। और यही मैंने इतने सारे बनाई थी, और इसके लिए है ना पतीली भी थोड़ी बड़ी ली थी कि अच्छे से ये बने कुक्ड हो एकदम खिला खिला। और ये सारा मैंने स्प्रेड कर लिया है, आप देख सकते हो। अब इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ, येल्लो कलर एंड जर्दे का कलर इसमें अच्छे से छिड़क देंगे, और इसमें फिर से ऑयल भी ऐड करेंगे कि अच्छे से कुक्ड हो जाए। और लास्ट में हमें केवड़ा वाटर भी 1-2 ड्रॉप्स इसमें ऐड करना है, और जो मैंने बिरिश्ता बनाकर तैयार कर दिया था वो भी इसमें है ना मैं ऊपर से बिछा दूंगी। सो गाइस देख सकते हैं आप, मैंने बहुत ही अच्छे से बनाया था और बहुत ही लजीज बना था, किसी यकीन माने एकदम परफेक्ट था। अब हम इसे है ना भाप मतलब दम पर रखेंगे, कम से कम हमें 5 मिनट के लिए फास्ट गैस पे रखना है और 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे अच्छा सा इसे है ना भाप देना है, फिर इसे मैं डिश आउट करके बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी बिरयानी बनकर तैयार है, एकदम परफेक्ट बिरयानी है। और आपको पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है, तो मैं बोलूँगी नहीं, आपने करना है सब्सक्राइब, चैनल भी शेयर करना है और बेल बटन के साथ करना है, ठीक है। लाइक ज़रूर कर दे हुए जाए, क्योंकि हर चीज़ बनाने में डबल मेहनत लगती है, रिकॉर्ड करने में तो उससे डबल मेहनत लगती है। तो यहाँ पर मैं डिश आउट कर रही हूँ, बहुत ही परफेक्ट बना था, मसाला राइस हर चीज़ परफेक्ट था, हर बाइट में यम यम ही निकल रहा था। तो आई होप आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करोगे और आपको पसंद आई होगी। तो ये थी मेरी आज की डिश, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।